ग्रामीण स्तर से खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से भारत सरकार एक नई सोच के साथ सांसद खेल महोत्सव करा रही है। इसी के तहत सिमडेगा में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने किया। आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा के गांव में छुपी खेल प्रतिभा अब उभर कर सामने आएगी, जिसको निखार कर बड़े मंच तक ले जाया जाएगा। जिले में आज सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत ठेठी टांगर प्रखंड से की गई, जहां जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा इसका उद्घाटन किए। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार खेल को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ी उभरकर ओलंपिक स्तर तक जाएंगे। उन्होंने यह कहा कि भारत गांव का देश है, गांव की प्रतिभा जब सामने आएगी तब भारत चमकेगा और सांसद खेल महोत्सव राष्ट्र निर्माण में अहम होगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अर्जुन मुंडा ने ये सारी बातें सामने रखी। कोशिश है कि सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले मेधा को हम अपने आंखों से देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करें, और इसलिए सिमडेगा जिला में जो हॉकी की एक बहुत बड़ी ताकत है, पूंजी है, निधि है, और पिछले दिनों हॉकी के आयोजन भी सिमडेगा जिला में कैसे हो इस बात पर चर्चा हो रही थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभरना सिमडेगा की मिट्टी की ताकत है, और इसलिए आज इस तरह के आयोजन से हमें और ताकत मिलेगा और बल मिलेगा। हम अपने युवा साथियों से यह कहना चाहते हैं, देश युवाओं का देश बन रहा है, युवाओं का देश है। दुनिया के अंदर जापान प्रगति में बहुत आगे है। हम सब